हेलो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब आई होप आप सब ठीक होंगे इफ यू आर न्यू देन वेलकम टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक सो आई एम एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए एंड फाइनली आज मैं बना रही हूँ. मैंने सोचा कि ये वीडियो कई लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, जैसे कि जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि जैसे हमें भी बहुत सी चीजों का नहीं मालूम था कि कौन कौन सी चीजें न्यू बॉर्न के पास होनी ही चाहिए. तो इन दिस वीडियो आई विल गो विद ऑल द आइटम्स. सम ऑफ देम विल बी लाइक यू मस्ट हैव, लाइक आपके पास होनी ही चाहिए यहाँ पे. और मैं वैसे सारी चीजों के बारे में बता दूंगी, पर कुछ ऑप्शनल भी होंगी कि आप लेना चाहें या ना लेना चाहे वो आपकी मर्जी है. मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारी चीजें कवर कर दूं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉलर एंड एक्सेसरीज के बारे में. अंगद खेल रहा है वहां पे अपने टॉयज एंड टीजर एंड अभी मैं बोल रही हूँ इसीलिए चुप कर गया कि मम्मी किससे बातें कर रही है. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्ट्रॉलर कार सीट तो मस्ट हैव है कि आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कार सीट नहीं है या फिर कार सीट जिसमें हम रखते हैं वो भी नीचे एक बेस सा होता है आपकी सीट पे लगाने का, लिए तो दैट शुड बी इंस्टॉल्ड इन योर कार, क्योंकि अदरवाइज बेबी को हॉस्पिटल से घर पे भी नहीं आने देते वो अगर आपके पास कार सीट नहीं है. तो ये चीजें आपके पास होनी ही चाहिए. एंड नेक्स्ट थिंग, आपके पास जो बेबी की एक्सेसरीज, जैसे मैं बता दूं नेल क्लिपर, उसका नेल काटने के लिए थर्मोमीटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट मंथ बेबी का टेम्परेचर हम कंटिन्यूसली लाइक ऑलमोस्ट डेली जैसे चेक करते रहते हैं. इन केस अगर उसको फीवर वगैरह हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं. और आपके पास थर्मोमीटर होना चाहिए. और इसके साथ मैं ये भी बताती जाऊंगी कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी नहीं भी हैं. हमारे पास थर्मामीटर, और जब यहाँ पे बच्चा 2 मंथ का हो जाता है तब उसके पास फर्स्ट वैक्सीनेशन लगती है. तो इन केस उसको फीवर हो जाए तो आपके पास उसकी मेडिसिन भी होनी चाहिए. हेलो. तो आपके पास उसकी मेडिसिन भी होनी चाहिए. तो अंगद भी वीडियो में आना चाहता था अच्छी तरह से. तो उसके बाद मैं बात करती हूँ ह्यूमिडिफायर की, कि यहाँ पे समटाइम्स काफी ह्यूमिडिटी हो जाती है तो इसीलिए समटाइम्स पेरेंट्स बाय कर भी लेते हैं. बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा एटमोसफेयर है, तो उसी के हिसाब से आप बाय करना चाहें या ना भी करना वो आपके ऊपर डिपेंड है. हमने बाय कर लिया था, वॉलमार्ट में आपको अच्छे प्राइस से मिल जाता है वो. नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट, बाथ टाइम के. इसको बाथ टाइम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए. सो सबसे पहले है बेबी टब, और उसके बाद इसकी एक्सेसरीज लाइक बेबी शैम्पू, बॉडी वॉश. बॉडी वॉश एंड शैम्पू आपको एक ही मिल जाता है. और उसके बाद ऑयल, लोशन, एंड वी यूज अवीनो. वी हैव अवीनो, मैं उसके लिए अवीनो यूज करती हूँ, पर वी डू हैव जॉनसन. इसको लाइक दोनों ही सूट करते हैं. और बेबी के लिए रैश क्रीम, इनकेस उसको रैश वगैरह हो जाए तो वो क्रीम भी आपके पास होनी चाहिए. आपको इसकी एक किट मिल जाती है, उसी में सारा कुछ होता है. और उसके बाद बाथ टाइम में इंक्लूडेड है जैसे टॉवल वगैरह. बेबीज के बहुत ही क्यूट टॉवल मिलते हैं जो हुडी वाले होते हैं, जैसे हुडेड होते हैं, इसके सर भी कवर हो जाता है उसमें. इसको अच्छी तरह से आप बोरिटो के जैसे रैप करके लेके आ सकते हैं नहाने के बाद, ताकि इसको ठंड वगैरह ना लगे. एंड नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट, डाइपरिंग, जिसमें डाइपर्स आपको मालूम है बहुत मस्ट हैव हैं वो तो. और उसके बाद वाइप्स भी, और डाइपर क्रीम भी आपके पास होनी चाहिए. अगर इसको डाइपर रैश वगैरह हो जाए तो वो भी आपके पास क्रीम होनी चाहिए. यू शुड हैव लाइक चेंजिंग पैड अगर आप बाहर जाएं, या फिर कभी भी जैसे सोफे पे या बेड पे अगर चेंज भी करें. और मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे कई लोग जैसे क्या करते हैं, एक छोटी सी बास्केट सी ले लेते हैं, टोकरी सी, उस टोकरी में आप लाइक जैसे डायपर एंड वाइप्स रखते हैं बेबी के. पर जैसे डायपर कैरी होती है उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, जैसे वाइप्स रखने के लिए, बिब्स रखने के लिए, डायपर रखने के लिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी शो की थी. दैट इज सो हेल्पफुल. सो आप सारा सामान उसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता कि आपको पैकेट से एवरी टाइम डायपर्स वगैरह निकालने नहीं पड़ते. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फीडिंग. सो फीडिंग, अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए. जैसे आप फर्स्ट टाइम मॉम बनी है तो बेबी को थोड़ी सी दूध की प्रॉब्लम होती है कि वो कई टाइम फुल नहीं होता, उसको स्टिल लाइक
माँ का दूध पीने के बाद भी ही फील्स स्टिल हंग्री, सो इसीलिए यू शुड हैव फॉर्मूला। सो हमने शुरू शुरू में इसको थोड़ा सा फॉर्मूला दिया था, और उसी के साथ आपके पास होनी चाहिए बॉटल्स, और बॉटल को क्लीन करने के लिए एक छोटा सा ब्रश मिल जाता है। सम पीपल बाय स्टेरिलाइजर, आप अमेजोन पे देख सकते हैं कि आप वो भी बाय कर सकते हैं, दैट्स ऑप्शनल, दैट्स अप टू यू कि आप कैसा करना चाहते हैं। तो बॉटल्स वगैरह जिसमें अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। हमने नहीं बाय किया क्योंकि हमने इसको ज्यादा टाइम फॉर्मूला नहीं दिया था। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए जैसे ब्रेस्ट पंप, और देन बर्प क्लोथ्स एंड बिब्स। समटाइम्स जब बच्चा दूध निकाल देता है तो इसीलिए आप उसके कपड़े ना खराब हो। अब शुरू शुरू में बेबीज को बर्प करवाना पड़ता है आफ्टर एवरी टाइम यू फीड, क्योंकि अदरवाइज वो ज्यादा दूध बाहर निकाल देते हैं। सो दैट्स वाई यू शुड हैव बर्प क्लोथ, ताकि आप यहाँ पे रख के, समटाइम्स हम नहीं यूज करते थे पर बुआ जी ऑलवेज बोलते थे कि यहाँ पे कपड़ा रखो पहले बर्प क्लोथ, और उसके बाद बेबी को ऐसे बर्प करवा। तू कि बर्प करता हूँ दसी है डैडा, तो करता हूँ दसी राइट, लाइक डुश। अगर आप बॉटल्स वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हैं तो यू शुड हैव लाइक बॉटल क्लीनर एंड बॉटल ड्राइंग रैक। उसी के साथ वन मोर ऑप्शनल आइटम है जैसे नर्सिंग पिलो, जैसे ये नर्सिंग पिलो की तरह भी मैं यूज कर सकती थी, और इसको बिठाने के लिए ये बहुत काम आता है। ये अप टू यू है कि आप इसको लेना चाहें या ना लेना चाहें। नाउ वी मूव टू द मेन इम्पोर्टेंट सेक्शन विच इज बेबी क्लोदिंग, और उसी के लिए मैं आपको बता दूं कि वो डिपेंड करता है कि बेबी समर में हुआ है या विंटर में। जैसे अंगद विंटर में हुआ था तो मैं विंटर के हिसाब से बता रही हूँ कि इसके पास जैसे आप वंजीज होने चाहिए, जैसे स्लीपर, उसमें ये ओवरऑल सूट होता है जैसे ये है, तो इसको रात को सोना इजी रहता है, ये कंफर्टेबल होकर सो जाता है इसमें, ना ही आपको अलग से सॉक्स पहनानी पड़ती हैं। और इसी के साथ आप कुछ बेबी सूट भी बाय कर सकते हैं, जैसे उसका फोटो शूट वगैरह करवाना हो या बाहर जाना हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आउटडोर आउटफिट्स या फिर एक्स्ट्रा आउटफिट्स। और उसी के साथ इसके पास मिटन्स होने जरूरी है, आई थिंक वो मस्ट हैव है, क्योंकि छोटे बेबीज के नेल हम जब फर्स्ट टाइम कट करते हैं तो इट्स रियली हार्ड, तो इसीलिए वो स्क्रैच अप कर लेते हैं अपना फेस, यहाँ पे मार लेते हैं, क्योंकि जब अंगद छोटा था तो हम इसको मिटन्स पहना के रखते थे, अगर हम इसको नहीं पहनाते थे तो ये स्क्रैच कर लेता था अपने मुंह पे, यहाँ पे लाल लाल निशान बन जाते थे। और उसके बाद हम मूव होते हैं कि इसके पास अगर विंटर है तो हैट्स भी होनी चाहिए, टोपी वगैरह, इसका सिर कवर करके रखना पड़ता है क्योंकि ठंड वगैरह सिर से ज्यादा लगती है, जैसे हमारी मम्मी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट मस्ट हैव आइटम है लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जैसे कि हमारे लॉन्ड्री डिटर्जेंट होते हैं उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो हम यूज नहीं करते बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए, इनके लिए अलग डिटर्जेंट आता है, तो आपको अलग से डिटर्जेंट बाय करना पड़ता है। वैसे जब हम इंडिया में थे तब भी मैंने काफी नोट किया कि सारे लोग न्यू बॉर्न के लिए डिटॉल वगैरह से कपड़े वॉश करते हैं अलग से, ना कि उनकी साबुन या डिटर्जेंट से। सॉक्स वगैरह भी पहनानी पड़ती हैं बच्चों को। एंड नाउ वी मूव टू द अदर सेक्शन, ब्लैंकेट। तो आपके पास एक तो स्वाडल ब्लैंकेट होना चाहिए जिसमें बेबीज को अच्छी तरह से आप रैप करके उसको सब्बे या बुरीटो जैसा बना देते हैं, और उसमें बेबीज को काफी अच्छा फील होता है क्योंकि इतने मंथ बेबी पेट के अंदर जैसे उसको कंफर्टेबल फील होता है टाइट, इसीलिए बेबी को उसमें रैप कर देते हैं ताकि उसको वैसा ही फील हो जैसा कि माँ के पेट के अंदर उसको फील हो रहा था। आपके पास बेबी ब्लैंकेट होना चाहिए, आप ऑप्शनल है आप अलग से दो तीन रिसीविंग ब्लैंकेट बाय करना चाहे आप वो भी बाय कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज बेड टाइम, बेड टाइम के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आपके पास एक वैसेनेट होना चाहिए, वैसेनेट मस्ट है भी मैं कह सकती हूँ, नहीं भी अगर आप लेना चाहे तो वो भी अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे अंगद वैसेनेट में ज्यादातर सोआ नहीं था तो अभी अंगद मेरे साथ ही सोता है तो इसीलिए। और उसके बाद जो लोग क्रिब लेना चाहे तो दे शुड हैव लाइक, अगर पूरा आपने नर्सरी वगैरह बनानी हो तो देन यू शुड हैव लाइक क्रिब मैट्रेस की शीट, और उसके बाद उसका बेड सेट होना चाहिए। तो नर्सरी में जैसे आप लैंप वगैरह और नर्सिंग चेयर या फिर सोफा वगैरह रख सकते हैं, और वहां पे एक ड्रेसर या फिर चेंजिंग टेबल वगैरह होता है जिसपे आप बेबी के कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज बेबी गियर, जिसमें आपके पास
जैसे कि आप बेबी डायपर बैग, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको जैसे बाहर जाना है तो आपको एक डायपर बैग रेडी रखना चाहिए कि आपको कहीं भी जाना हो तो सोचना ना पड़े, जस्ट अपने बेबी का डायपर बैग उठाएं और आप जा सकते हैं, जिसमें बेबी की सारी चीजें ऑलरेडी अपने पैक करके रखी होती है। और उसके बाद आप जैसे लिविंग रूम में बैठते हैं तो आपके पास बाउंसर वगैरह जाकर कोई और बेसिनेट जैसी कोई चीज होनी चाहिए जिसमें आप बेबी को सुला सके बाहर भी अपने पास। और उसी के साथ जब बेबी 4 या 6 मंथ का हो जाता है तो ये चीजें होनी चाहिए, जैसे ये टीदर होने चाहिए इनको चबाने के लिए। और उसके बाद ये भी ऑप्शनल है कि जब बेबी थोड़ा सा सपोर्ट से बैठने लगता है तो आप फ्लोर सीट बाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो सम ऑफ द आइटम्स इन द होल वीडियो आर लाइक ऑप्शनल एंड सम आर मस्ट हैव। तो आई थिंक मैंने सारी आइटम्स प्रीटी मच कवर कर दी हैं। अगर कोई रह भी गई तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी होपफुली दैट विल बी माई नाइट रूटीन विद अंगद। और सत श्री अकाल, रब राखा।